नमस्कार दोस्तों, फाइनली राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है, जिसका आप सभी को वेट था। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, रिजल्ट की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपसे एक बात बोलना चाहूँगा पहले कि रिजल्ट चाहे कैसा भी आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी के ज़्यादा अच्छे नंबर आए हो सकता है किसी के कम नंबर आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में बढ़ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो रिजल्ट आया ना वो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये जो आपका रिजल्ट आया था इस एग्ज़ाम में बीएससी सेकंड ईयर में, आपके पास कितना सा सिलेबस आया था? आपने केवल मात्र एक या डेढ़ यूनिट पढ़ी होगी, कुछ ने तो वो भी नहीं पढ़ी होगी। केवल एक या डेढ़ यूनिट पढ़कर आपके नंबर आ गए होंगे 50 में से 40 नंबर आ गए होंगे, 45 आ गए होंगे, 47 आ गए होंगे। तो यानी कि आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एक या डेढ़ यूनिट पढ़ी। आपको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने आपको नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है उससे कम भी हो जाएं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाएं। क्योंकि अब की बार ये सिलेबस कम होने वाला कोई चक्कर नहीं है। जो दो साल से हो रहा था कि सिलेबस कम हो गया, 50% आपको पेपर करके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार 100% आपको एग्ज़ाम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 5 की 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है तो वो एक यूनिट डेढ़ यूनिट से आपका काम नहीं चलेगा। और जैसा आप अब करते आए हो ना, जो अभी आप दो साल से कर रहे हो कि एक यूनिट में से दोनों क्वेश्चन कर दिए, वो ऐसा अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात कि आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 5 ही 5 यूनिट पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आपको दोनों क्वेश्चन आते हों एक यूनिट में, तब भी आपको कितने करने पड़ेंगे, एक ही कर सकते हो आप। तो जैसी छूट आपको दो साल से मिलती आ रही थी, वैसी छूट आपको अब नहीं मिलेंगी। और जो आपके एग्ज़ाम हैं, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम आपके जल्दी होंगे, मार्च या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करानी पड़ेगी। अभी अगर आप सोच रहे हो कि हम दिवाली के बाद ज्वाइन कर लें, दिवाली के बाद हम तैयारी स्टार्ट करें, तो उसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है और ना ही आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा फाइनल ईयर का। तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और देखो, एक बात पर्सनली मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप ये मत सोचना कि मैं अपना ऑनलाइन का प्रचार कर रहा हूँ या फिर कोर्स बेचने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। आप चाहे किसी भी कोचिंग में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, कॉलेज में जाओ, मुझे नहीं लगता कि मार्च तक कोई सा भी कॉलेज, कोई सी भी कोचिंग आपको 5 की 5 यूनिट मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में करा देंगे। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा कोई नहीं करा पाएगा। जिन कोचिंगों में क्लास पहले से ही चल रही है उनका नहीं कह सकता, वो भी पूरा तो नहीं करवा पाएंगे, क्यों कहें। लेकिन जो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि हम अब कोचिंग ज्वाइन करें, फिर पढ़ें, परसेंटेज अच्छी बनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तीनों के तीनों पेपर और तीनों के तीनों पेपर में 5-5 यूनिट करवा पाएगा। फीस पूरी लगेगी आपकी, जितनी लगती है वही 15-16 हज़ार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पूरी लगेगी। अब तरीका क्या है कि सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया जाए और अच्छी परसेंटेज बना दी जाए, तो क्या तरीका है? देखो, इस वीडियो स्किप मत करना, मैं अपना कोर्स बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली बात। आप खुद सोच के देखना, हम ऑनलाइन में पूरा का पूरा कोर्स करा के दे रहे हैं, 5-5 यूनिट करा के दे रहे हैं, कोई भी यूनिट में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऑफलाइन में कोई गारंटी देता है तो बताओ? ऑफलाइन में कोई बोलता है कि हम 5 के 5 यूनिट करा के दे सकते हैं? आप बता दो, कौन सा टीचर करा के दे देगा या कौन सी कोचिंग करा के दे देगी? कोई कोचिंग करा देगी? मुझे तो नहीं लगता। जब क्लासेज जुलाई से अगस्त से स्टार्ट होती है, तभी कोर्स पूरा नहीं हो पाता। मैं ऑफलाइन कोचिंग भी कराता हूँ। हम जुलाई से लगते हैं कोर्स कराने के लिए, जब जाके फरवरी या मार्च तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाता है एग्ज़ाम आते आते। अब तो फिर भी यहाँ पर सितंबर ख़त्म हो गया, दशहरा, दिवाली की छुट्टी लोगे आप, फिर आप बोल दोगे सर्दियों की छुट्टी आ गई, बीच बीच में छुट्टी लेते रहोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि 1.5-2 बुक से ज़्यादा आपकी बुक हो जाएगी। तो अगर आप अगर इंटरेस्टेड हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन जाते हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हो हमारी। और देखो, कोई हमारी ज़्यादा रेट नहीं है, हमने ऐसा रखा है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो, कितना भी, वो हमारी क्लास ले सके। तो हमने बिल्कुल वाजिब सी रेट रखी है। जैसे आप फिजिक्स का ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो बिल्कुल 999 रुपये में आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री का लेते हो
तो आपको 999 में मिल जाएगा। मैथ का है तो आपको 999 में 999 में मिल जाएगा, यानी कि आपको लगभग 3,000 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा। और उसमें भी आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, आपका ऐसा नहीं है कि हमने 2 यूनिट कराई, 3 यूनिट कराई, पूरा कोर्स मिल रहा है। ऑफलाइन में आप जाओगे तो आपको भी पता है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जाओगे, ये हमारी जो फीस है ना, वो तीनों के तीनों पेपर की, ध्यान रखना। ऑफलाइन में आप जाओगे ना, आपको एक पेपर की फीस कम से कम 2,000 1,800 इतनी मिलेगी ऑफलाइन में। कहीं पर भी जाके पूछ लेना 1,800 2,000, और उसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई भी आपको 3 यूनिट से ज़्यादा करा जाए तो हम यहाँ पे 5 ही 5 यूनिट करा के देंगे। और आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी जाते हो, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके भले की बात बोलिए, मैं स्टूडेंट के भले की बात बोलता हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक यहाँ वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे गए हैं, हमारे ऑनलाइन के रिजल्ट भी बहुत अच्छे गए हैं। हमने पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस दी थी, उससे पिछले साल भी दी थी, तो दोनों साल हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे गए हैं, और इस साल उससे भी अच्छा रिजल्ट जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और आपकी मर्जी है, भगवान भला करे आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।